अगर आप खुद का कोई काम करने की सोच रहे हैं तो जीएसटी सर्विस सेंटर खोलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जीएसटी सर्विस सेंटर में ना तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और ना ही क्वालिफिकेशन की। जब से देश में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, जीएसटी एक्सपर्ट और जीएसटी सर्विस सेंटर्स की मांग बढ़ गई है। जीएसटी लागू होने से ट्रेडर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल करने में हो रही प्रॉब्लम को देखते हुए कई कंपनियां जीएसटी सर्विस सेंटर खोल रही हैं। कई कंपनियां महज 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर फ्रेंचाइजी देकर जीएसटी सर्विस सेंटर खुलवाने में मदद कर रही हैं। इनके लिए वो आपको ट्रेनिंग भी देंगी। जीएसटी सर्विस सेंटर खोलना कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्राइवेट फर्म है। यहाँ आपको पहले से काम कर रही कुछ कंपनियों से उनकी फ्रेंचाइजी लेनी होगी, उन्हीं के नाम पर आप जीएसटी सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको जीएसटी सर्विस सेंटर की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जीएसटी सुविधा केंद्र की कुछ सेवाएं। जीएसटी सुविधा केंद्र पर कई तरह की सरकारी सेवाएं दी जा सकती हैं, जैसे बीमा और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं, ई नागरिक और ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, फ्रेंचाइजी से लेकर ई कोर्ट, डिजिटल इंडिया से जुड़ी सेवाएं, सीए सर्टिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट, उद्योग आधार, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, डीएससी और अकाउंटिंग, क्रेडिट कार्ड सेवा, मनी ट्रांसफर, प्रीपेड कार्ड सर्विस, आधार मनी ट्रांसफर, रिजल्ट, ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाएं। बस कंप्यूटर और इंटरनेट की थोड़ी सी जानकारी और थोड़े से अभ्यास से ही आप इन तमाम सर्विसेज में माहिर हो सकते हैं और मोटी कमाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के प्रोसेस के बारे में। कौन खोल सकता है जीएसटी सर्विस सेंटर? आपको 12वीं पास होना जरूरी है, आपको जीएसटी की बेसिक जानकारी होना जरूरी है, इसके साथ ही आपको अकाउंटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट की बेसिक जानकारी होना भी जरूरी है, तभी आप ग्राहकों को अच्छी सेवा दे पाएंगे। कौन देता है जीएसटी की फ्रेंचाइजी? आपको जीएसटी केंद्र खोलने के लिए सुविधा प्रोवाइडर की अनुमति लेनी होती है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि सीएचसी, वृंकराजी, वीके वेंचर, वैनवेक टेक सॉल्यूशन जैसी कंपनियां इसके लिए फ्रेंचाइजी देती हैं। इनके अलावा मास्टर जीएसटी, बॉटरी सॉफ्टवेयर, मास्टर इंडिया और वेब डिजिटल सर्विसेज आदि जैसी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो पार्टनरशिप में काम करती हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र फ्रेंचाइजी के प्रकार। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। gstsuvidhakendra.org की ओर से ट्वीट कर एक बेहद ही आसान तरीका बताया गया है। आप इस बारे में जानकारी के लिए 1800108888 पर कॉल भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले जगह और कुछ इक्विपमेंट्स लेने होंगे। इन सब में आपको लगभग 60 से 70 हजार का खर्च पड़ सकता है। अगर कुल खर्च की बात की जाए तो आपको लगभग 1 लाख तक खर्च करना पड़ सकता है। कमाई कितनी होगी? जीएसटी सर्विस सेंटर खोलने के बाद आप इनकम किस तरह करेंगे, इसके लिए जीएसटी चालान बनाने का चार्ज लिया जाता है। चालान बनाने की कीमत 300 से 500 रुपए के बीच हो सकती है। नए जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज 700 से 1000 रुपए तक लिया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए 500 से 700 रुपए तक लिए जाते हैं। इसी तरह न्यू जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन पर 40% और डिजिटल सिग्नेचर पर 30% कमीशन मिलेगा। तो आज आपने जाना कि कैसे जीएसटी सर्विस सेंटर खोलकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, शुरू करें अपना जीएसटी सर्विस सेंटर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।